हेलो दोस्तों, एक और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन जो है वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है, न्यू दिल्ली के द्वारा। इसमें जो है कुछ वैकेंसी निकली हुई है और इन वैकेंसी को ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2023 है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो ये हेल्प डेस्क के आगे ईमेल दे रखी है, आप इस पे भी जो है संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इन वैकेंसीज़ को भरना चाहते हो तो ये जो है वेबसाइट भी इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं www.csir.res.in/career। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट, तो आप इन वेबसाइट पर जाकर जो है इसको भर भी सकते हैं। और ये CSIR की वेबसाइट भी है, www.csir.res.in। और इस नोटिफिकेशन का जो विस्तृत जो है PDF है वो भी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आइए चलते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं। अगर हम देखते हैं तो डेजिग्नेशन ऑफ जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट है, और इसमें जो है कुल 34 पोस्टें निकली हुई हैं, जिनमें अनरिजर्व 14 हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 12 हैं, SC की 1 है, ST की 4 है, और EWS जो है उनकी 3 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 रुपये, और अपर एज लिमिट जो है 28 वर्ष है, और इसमें जो है एज पर गवर्नमेंट रूल छूट भी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह। जो ये पहले नंबर की जो पोस्ट है जिसका जो है पोस्ट कोड जो है 220101 है, इसमें 12 पोस्ट हैं टोटल, और इनमें क्वालिफिकेशन क्या मांगता है देखते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 3 साल का जो है डिप्लोमा मांगता है फुल टाइम, और 60% अंकों के साथ आपने वो पास किया होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा फिर मांगता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और 2 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है, यानी कि अगर आपने लेटरल एंट्री कर रखी है लेकिन तो आप जो है तब भी भर सकते हैं, लेकिन 60% अंकों के साथ आपने वो पास किया होना चाहिए और 2 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस है या इक्विवेलेंट है मिनिमम 60% अंकों के साथ और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी आप इसको भर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 220102 है, टोटल इसमें 3 पोस्ट हैं, इसमें भी डिप्लोमा मांगता है फुल टाइम 3 साल वाला, और 60% अंकों के साथ आपने पास किया होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। और बात करते हैं तो डिप्लोमा अगर आपके पास 2 साल का है, यानी कि आपने अगर लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन लिया है तो भी आपके पास 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 220103 है, इसमें भी जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का जो डिप्लोमा, 60% अंकों के साथ वो पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने जो है लेटर एंट्री के द्वारा किया है तो भी आप भर सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 220104 है, इसमें कुल जो है 3 पोस्ट हैं, इसमें भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल वाला, 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी यदि आपने लेटर एंट्री के द्वारा लिया तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 60% अंकों के साथ 2 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 220105 है, इसमें भी जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का डिप्लोमा और 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए, 2 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने जो है लेटर एंट्री के द्वारा किया तो 2 साल का डिप्लोमा 60% अंकों के साथ और 2 साल का आपके पास फील्ड का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 220106, उसमें 2 पोस्ट है और 220107 में 3 पोस्ट है, और इनकी क्वालिफिकेशन भी आप ये इसमें देख सकते हैं। 106 जिसका पोस्ट कोड है उसमें डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग 3 साल वाला और 60% अंकों के साथ 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, या अगर आपने लेटर एंट्री की तो 2 साल का डिप्लोमा 60% अंकों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। पोस्ट कोड 107 के लिए BSc केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन।
इसके अलावा और भी पोस्ट है इसमें, पोस्ट कोड जिसका 220-108 में तीन पोस्ट है, उसमें भी बीएससी लाइफ साइंस इक्विवेलेंट 60% अंकों के साथ मांग रखा है और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। पोस्ट कोड 220-109 के लिए बीएससी केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद 60% अंकों के साथ और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फुल टाइम। इसके अलावा नेक्स्ट के लिए 220-210 पोस्ट कोड के लिए बीएससी फिजिक्स और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% अंकों के साथ एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद नेक्स्ट 220-111 पोस्ट के लिए बीएससी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स और या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आपने किया तब भी आप भर सकते हैं। इसमें कुल एक पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले स्क्रीन कमेटी जो है ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट करेगी और जो ट्रेड टेस्ट में पास होंगे उनको फिर रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। तो देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन और या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है उसमें जो भी पोस्ट हैं देयर विल बी थ्री पेपर, तीन पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड में जो है मिनिमम मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे और जो पेपर फर्स्ट में जो मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे उनको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओमेर बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे। स्टैंडर्ड वही होगा आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल जो आपकी क्वालिफिकेशन है। टोटल नंबर जो है वो जो है अपना 200 होंगे और टोटल टाइम जो है 3 घंटे का रहेगा। पेपर फर्स्ट में देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा आपको और यह मेंटली एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट आदि के क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने अनिवार्य हैं तभी आप पेपर सेकंड तथा थर्ड के लिए बुलाए जाएंगे। पेपर सेकंड में 30 मिनट रहेंगे और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के, और इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक के जो 3 मार्क्स होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। पेपर थर्ड जो है उसमें 90 मिनट होंगे, इसमें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे और अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको जो भी है पोस्ट के अगेंस्ट जो अलाउंस मिलते हैं, एचआरए मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, वो आपको इसमें मिलेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंस सच एज एचआरए एंड ट्रेवलिंग अलाउंस एट्सेट्रा एट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉय काउंसिल एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं इसमें और देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें खास बात है। एज लिमिट में जो है छूट भी है, जैसे वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होता है। एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी के लिए जो है 3 साल की है और पढ़ लेते हैं इसमें, देखते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल की भी इसमें छूट है, ये आपने देखना है, ध्यान देना है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें देख लेते हैं तो लास्ट डेट मैंने आपको पहले बता दी 17 जनवरी 2023 है, तो आप जो है 17 जनवरी 2023 से पहले इस जो है फॉर्म को भर लें। और अगर मैं इसमें बात करूं कि अप्लाई कैसे करना है आपने, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ये वेबसाइट दे रखी है, इन वेबसाइट पे जाना है आपने, www.csir.res.in पे जाना है, फिर वहाँ पे कैरियर पे जाना है, फिर अपॉर्चुनिटी पे जाना है, फिर रिक्रूटमेंट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आपने पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपने अटैच करने। फीस की बात करें तो इसमें जो है जनरल और ओबीसी के लिए जो 500 रुपये की फीस है, लेकिन जो है एससी एसटी पीडब्ल्यू फिजिकल जो डिसेबल पर्सन है या वुमेन है या सीएसआईआर के एम्प्लॉय है या एक्सर वुमेन है उनके लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है, उनको फीस से छूट दिया गया है। इसके अलावा और बोलता है कि कैंडिडेट जो है अपने लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपने 50 KB के जो है अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो अधिक से अधिक 1 MB तक के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सब आप सेल्फ अटेस्टेड दोगे, जैसे 10th 12th के जो सर्टिफिकेट है इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ वाला,
उसको भी सेल्फ रजिस्टर्ड करेंगे। इसके अलावा और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी, और इसके अलावा जो आपके और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सबको आप सेल्फ रजिस्टर्ड करके जो है उनको जो है फिजिकल जो है हार्ड कॉपी भी अपने पास रखेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।